फाइनली भाई लोग नरोबी के बाद टोक्यो का भी खात्मा हो गया और बहुत हर्टफुल सीन था। पिछले सीज़न की बात करें तो उस सीज़न में भी इन्होंने लास्ट में धचका दिया। तो इस मनी हाइस्ट सीज़न 5 के वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में बहुत अच्छा वाला धचका इन्होंने फिर से दे दिया, जो कि टोक्यो को इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसका सीन ही हटा दिया, उसको मार दिया। तो आई डोंट नो कि ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। तो इस वाक्ये के बाद, मतलब वाक्या ये बोलेंगे इसको, इसके बाद इस वाक्ये के बाद अवाम का रिएक्शन जो है वो कुछ इस टाइप नेटफ्लिक्स वाले भाई इसको खींच रहे हैं। अब वॉल्यूम 1 ये लोग लेकर आए, मुझे लगा था शायद इसमें ख़त्म हो जाना है, बट नहीं भाई, वॉल्यूम 1 अभी रिलीज़ किया गया एंड वॉल्यूम 2 दिसंबर को रिलीज़ किया जाएगा। इसको खींच रहे हैं, इसको लंबा कर रहे हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स को भाई आवाम चाहिए, वर्ल्ड वाइड चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ चल रही है, ख़ासकर ये मनी हाइस्ट, इसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। तो नेटफ्लिक्स को थोड़ा TRP चाहिए, मतलब जिस तरह से मीडिया की TRP होती है वैसे ही इसको भी TRP चाहिए, नेटफ्लिक्स को भी TRP चाहिए। तो इस वजह से इसको खींच के आगे ले जाया जा रहा है। तो होप के जो इनका वॉल्यूम 2 आना है, जो कि दिसंबर 2 को आना है, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वहाँ पर एंड अप हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आवाम की धड़कनें और तेज़ ना की जाएं। और ऑनेस्टली रिव्यू करूँ तो भाई मुझे लगा नहीं था कि लास्ट में टोक्यो को यहाँ पर मार देंगे, एंड कुछ अजीब सी फीलिंग ज़रूर आई कि भाई एक ही चीज़ चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है, एकदम से ये लोग पलटी मार के आ जाते हैं भाई, कि आई डोंट नो भाई, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूँ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि एकदम से धचका नहीं लगता जिस तरह से कि एक सीक्वेंस में चीज़ चल रही हो और सीक्वेंस को एकदम से उलट जाती है, वो चीज़ एकदम से उलट जाती है एंड एकदम से जज्बात चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। जिस तरह से मुझे अजीब लग रहा है वैसे ही सबको अजीब लग रहा होगा, आई नो, बट क्या करें भाई, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है और इसको खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं और आवाम की जो धड़कने हैं वो और बढ़ा रहे हैं, और आगे कितना बढ़ाते रहेंगे आई डोंट नो, यू डोंट नो, वी ऑल डोंट नो। डेनवर, टोक्यो एंड तीसरी एक लड़की थी, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो तीन इस जगह किचन में फंस जाते हैं। मतलब कि अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि टोक्यो, डेनवर एंड जो तीसरी लड़की है उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो एक जगह फंस जाते हैं एंड जो दूसरी टीम होती है उनकी दूसरी साइड चली जाती है, जो कि इनका बंकर होता है वो बंद हो जाता है एंड दूसरी टीम वहाँ पर होती है, और दूसरी टीम जो होती है वो उस लोहे के गेट को काटने के लिए गैस ला रही होती है और उनका जो दरवाज़ा है वो आधा कटता है एंड वहाँ से अब तीन मौके इनके पास होते हैं, टोक्यो के पास होते हैं तीन मौके निकलने के, तीन मौके किस तरह से होते हैं कि पहला मौका तो गायब हो जाता है, पहला मौका तो बिल्कुल फिनिश हो जाता है, जो कि टीम उसकी दरवाज़ा काटती होती है जब तक वो अंदर नहीं आती, वो टोक्यो को नहीं बचा सकते, एंड दूसरा मौका जो होता है डेनवर एंड जो दूसरी लड़की होती है वो नीचे चले जाते हैं, एंड उसमें अब नीचे जो बहुत सारी चीज़ें बिछा रहे होते हैं कि वो ताकि हम लोग नीचे पहुँच के वो चीज़ें बिछाएँ, बोरियाँ वगैरह जो भी रखना है, सोफे वगैरह वो उठा के वहाँ पर, गद्दियाँ वगैरह जो भी ला के वहाँ पर रखना है वहाँ पर रखें, एंड जो टोक्यो वहाँ पर छलांग लगा दे नीचे, एंड तीसरा जो है वो है भाई सुराख नीचे से हो रहा है भाई। अब मुझे समझ नहीं आ रही है, जो टीम उनकी दरवाज़ा काट रही है उनमें से कुछ लोग नीचे से सुराख भी कर सकते हैं भाई, तो आधी टीम वहाँ पर चली जाए और आधी टीम पीछे रहे, तो वहाँ से टोक्यो को बचाया जा सकता था, बट टोक्यो को नहीं बचाया गया क्योंकि टोक्यो को यहाँ पर मारना था प्रोफेसर और सबकी फीलिंग्स दिखानी थी भाई, नेटफ्लिक्स है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो पुलिस वाली थी वो भी प्रोफेसर के साथ टीम अप हो गई है, अब हो गई है या नहीं हुई आई डोंट नो, नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा कि सच में टीम अप हो गया है या फिर एक धोखा है, कोई समझ नहीं आ रहा, टोटली कन्फ्यूजन है भाई, टोटली कन्फ्यूजन है इसमें, और अब कब तक कन्फ्यूजन रहेगी नेक्स्ट सीज़न में ही पता चलेगा कि नेक्स्ट सीज़न में एंड अप हो रहा है या फिर मज़ीद इसको खींचा जाएगा। तो जो भी है भाई, ये कुछ रिव्यू था किस तरह से इस चीज़ को खींचा जा रहा है और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स लाए जा रहे हैं, तो मतलब मज़ा आ रहा है यार देखते हुए, बट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ये लोग लेके आ रहे हैं। पिछले सीज़न को देख लें तो वहाँ से भी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आया, एकदम से जज्बात चेंज कर दिए उन्होंने, फिर इस सीज़न में वॉल्यूम 1 जो इनका रिलीज़ हुआ है इसमें भी लास्ट एपिसोड में एकदम से इन्होंने लास्ट एपिसोड की लास्ट मिनट्स में जाके इन्होंने एकदम से मतलब कि सब कुछ चेंज कर दिया,
सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस चेंज करते एक सीक्वेंस चलते चलते एकदम से उस सीक्वेंस को उलट दिया। भाई कोई तरीका है यार? उम्मीद है कि सीजन की वॉल्यूम 2 जो कि दिसंबर को आने, ये इसमें फिनिश हो जाएगा और करना भी चाहिए। अगर ना हुआ तो अवाम का रिएक्शन जो होगा वो तो उसे वाला होगा और नेटफ्लिक्स को जाके तबाह पर बात करेंगे। जस्ट किडिंग। तो होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो में या फिर कुछ इस तरह की वीडियो में। तो तब तक लीजिए केयर, गुड बाय।